योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि से जुड़े 10 फर्जी वेबसाइट बनाकर इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट व योगग्राम की ओर से अम्बरीश कुमार सिडकुल थाना में दर्ज कराया मुकदमा। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से योगग्राम में इलाज व कमरा बुकिंग के नाम पर किया जा रही थी धोखाधड़ी। उसको बता दें कि सभी वेबसाइट पर योग गुरु बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण की फोटो लगाकर विज्ञापन भी जारी किए जा रहे थे। सिडकुल पुलिस ने शिकायत पत्र के आधार पर संबंधित धारों में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। अब इस मामले को विस्तार से बताने के लिए हमसे रामगोपाल, जो कि उत्तराखंड प्रभारी हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। तो रामगोपाल, पतंजलि के नाम पर ये जो फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये पूरा मामला आप एक बार मुझे बताएंगे? बिल्कुल देखिए ममता, ये पतंजलि हरिद्वार, हालांकि बाबा योग गुरु बाबा जो रामदेव हैं उनकी वेबसाइट, करीब 10 वेबसाइट ऐसी हैं जो फर्जी तरीके से कुछ व्यक्ति द्वारा जो है चलाई जा रही थी, उनके नाम पर बुकिंग की जा रही थी कहीं ना कहीं इलाज को लेकर के। और जो ये भी कहा जा सकता कि विज्ञापन के नाम पर भी कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा किया जाता, लेकिन इसकी तमाम जो शिकायतें थी वो भी आ रही थी। इसको लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से ये कहा जा सकता है अमरीश कुमार है इनके खिलाफ, और साथ में कई अन्य यानी कि अज्ञात के खिलाफ जो बादराबाद क्योंकि सिडकुल थाना क्षेत्र है वहां मुकदमा दर्ज कराया गया है और जांच की जा रही है। हालांकि प्रशासन जो है अभी भी कुछ जो इस तरह की वेबसाइट के जो फर्जी मामले हैं उनको लेकर के सतर्कता यानी कि जो सोशल क्राइम है उसको पर नजर बनाए हुए है। अभी तक पुलिस ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की है? देखिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी भी अधिकारियों की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई इस तरीके का जवाब नहीं आया है, जांच की जा रही है। जैसे जवाब होता है तो इसमें कार्रवाई यानी कि गिरफ्तारी जो है पुलिस वो भी करेगी और साथ में जो है अवैधानिक जो कार्रवाई है इसमें वो की जाएगी। शुक्रिया रामगोपाल, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए।